हेलो फ्रेंड्स, आज आपके सामने फिर से एक बार नया वीडियो लेकर हूँ और इसमें आज मैंने साइकोलॉजी का टॉपिक ही चुना है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले मैंने क्लासिकी अनुबंधन का एक पूरा वीडियो बनाया था जिसमें मैंने उसमें पार्ट 1 लिखा हुआ है, तो आज का ये वीडियो उसी का दूसरा हिस्सा है। आपको मैं क्लासिकी अनुबंधन के बारे में लगभग पूरा बता चुका हूँ और अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको साइकोलॉजी लर्निंग चैप्टर लिखा होगा, उसमें क्लिक करिए, आपको वीडियो फर्स्ट मिल जाएगा। और आज इस सेकंड वीडियो में मैं आपको बहुत ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट बताने जा रहा हूँ जिसके माध्यम से आप क्लासिकी अनुबंधन को 100% क्लियर समझ जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं और इस तरीके से आज सीखते हैं कि क्लासिकी अनुबंधन के मुख्य क्या बिंदु हैं। सबसे पहले मैं आपसे बोल देना चाहता हूं कि यहां पर देखिए, आप एक बार ध्यान रखना सी एस, और दूसरा पॉइंट यू सी एस। ओके, यानी सी एस का मतलब है कंडीशन स्टिमुलस और यू सी एस का मतलब है अनकंडीशनल स्टिमुलस। फ्रेंड्स, पहले वाले वीडियो में सी एस और यू सी एस के बारे में बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, तो मैं अब यहाँ पर दोबारा से रिपीट नहीं करूँगा, केवल सी एस और यू सी एस की बात कहकर मैं हर बात को आपको बताऊँगा। फ्रेंड्स, सबसे पहला एक देखते हैं उत्तेजन का नियम। उत्तेजन के नियम में क्या है, जैसा कि आपने पहले वाले वीडियो में देखा था कि जब हम किसी यू सी एस के साथ में यानी स्वाभाविक उद्दीपक के साथ में अगर हम किसी सी एस यानी तटस्थ उद्दीपक को रखना प्रारंभ कर देते हैं तो प्राणी क्या करता है, जो प्राणी यानी ऑर्गेनिज्म होता है वो यू सी एस के साथ क्रिया तो करता ही करता है, यानी इसके प्रति स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति क्रिया तो करता ही करता है, लेकिन जब हम सी एस यानी तटस्थ उद्दीपक को उससे यू सी एस के साथ में सहचर्य कर देते हैं तो प्राणी सी एस के प्रति भी रिस्पॉन्स शुरू कर देता है। तो यहाँ पे उत्तेजन का नियम है, इसमें ये कहा गया है कि जो प्राणी होता है उसको सी एस से एक एक्साइटेशन होता है यानी उत्तेजन होता है, जिसकी वजह से वह क्या करता है, प्राणी इसके प्रति यानी सी एस के प्रति भी अनुक्रिया करता है। देखिए, जैसे आपको पता है पेवलोव ने डॉग पर यानी किस पे, डॉग पर अपना प्रयोग किया था, और यहाँ पे सी एस किसको माना था, घंटी को माना था, और यहाँ पर भोजन को यू सी एस माना था। ओके, तो अब ये उत्तेजन का नियम बस यही है कि जो सी एस होता है सी एस प्राणी में एक्साइटेशन यानी उत्तेजन करने लगता है, इसलिए प्राणी उस सी एस के प्रति भी रिस्पॉन्स करने लगता है। तो फ्रेंड्स, अभी आप बेसिक बात समझ जाइए और अगर आप पहला वीडियो देख लेंगे तो क्लियरली आप अपने आप ही अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे। और सबसे मेन पॉइंट मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए चीज़ों को समझना बहुत ही आसान होना चाहिए, क्योंकि मनोविज्ञान में जो भी आप चीज़ें पढ़ते हो वो सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके दैनिक जीवन से जुड़ी होती हैं। तो जब भी आप कोई बात पढ़िए, कोई भी पॉइंट पढ़िए, उसको सोचिए कि किस तरह से वो आपके जीवन से संबंधित है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आंतरिक अवरोध का नियम। तो फ्रेंड्स, आंतरिक का मतलब होता है अंदर से, अवरोध का मतलब होता है रुकावट। सीधी सी बात है, जब अंदर से रुकावट होना शुरू हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, आंतरिक अवरोध का नियम। इसमें होता क्या है, जैसे आपने सी एस को यू सी एस के साथ सहचर कर दिया, लेकिन बाद में कुछ दिनों बाद आपने सी एस के साथ में यू सी एस को रखना बंद कर दिया, तो क्या होता है, जो प्राणी होता है वह बाद में सी एस के प्रति अनुक्रिया नहीं करता है। इसका मतलब ये है उसके अंदर से एक ऐसा अवरोध उत्पन्न होता है कि उसको ऐसा लगता है कि अब सी एस यानी तटस्थ उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया ना की जाए, क्योंकि वह जानने लगता है कि अब उसको यहाँ पे यू सी एस यानी जो भोजन है वो नहीं मिलने वाला है, यानी उसके अंदर से ऐसा अवरोध होता है, इसलिए उसको हम आंतरिक अवरोध का नियम कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, बाह्य अवरोध का नियम। तो जैसा कि नाम है वैसा ही काम है, अवरोध का मतलब रुकावट, बाह्य का मतलब बाहर से। इसका मतलब है जब सी एस और यू सी एस के मध्य आप प्राणी को सहचर करवाते हैं, ओके, मतलब जब बार बार इनको रखते हैं साथ में, सी एस को यू सी एस के साथ में रखते हैं, तो अगर इस टाइम पे कोई बाहर से, बाहर का मतलब है आपके वातावरण से, दूसरा उद्दीपक अगर आ जाता है, दूसरा
उद्दीपक, यानी दूसरा कोई तटस्थ उद्दीपक आ जाता है, जैसे मान लीजिए बहुत ज्यादा शोर हो सकता है, या किसी पर्टिकुलर कोई आवाज हो सकती है, या जैसे प्रकाश मान लीजिए। तो इस तरह के बाहरी उद्दीपक क्या करते हैं कि जहाँ पे जो लर्निंग होती है यानी जो सहचर्य होता है उसमें बाधा डालता है, यानी बाह्य उद्दीपकों की वजह से क्या होता है, बाह्य अवरोध होता है। ओके फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल है, बेसिकली आप जैसा नाम है वैसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोला गया है स्वाभाविक उद्दीपक तथा अनुबंधित उद्दीपक का कालक्रम। देखिए आप जानते हैं स्वाभाविक उद्दीपक क्या होता है, यूसीएस, फिर से मैंने आपको पॉइंट आउट कर दिया, और अनुबंधित उद्दीपक यानी जो आपका कंडीशनल स्टिमुलस होता है। ओके अब देखो बात कही गई है कालक्रम की, तो कालक्रम का मतलब है टाइम पीरियड, सीधी सी बात है। आप थोड़ा सोचिए, मुझे आप ये बताइए, मैं छोटा सा आपके जिंदगी का ही एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर आप किसी छोटे बच्चे को एक बार एक टॉफी देते हैं, ओके, और किसी काम को करने के लिए आप उस बच्चे को बुलाते हैं, तो क्या करता है, आप पहले तो नहीं मानता, नहीं करना है, लेकिन एक बार टॉफी दे देते हैं और उसको दोबारा से आप बुलाते हैं, फिर से देते हैं और फिर से देते हैं, तो बच्चे के मन में भी कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मुझे ना जल्दी से क्या होगा, टॉफी मिल जाएगी तो मैं आपका ये काम कर दूंगा। काम कैसा, जैसे मैं आपके लिए पानी दे दूंगा उठा के गिलास में, होता ना कि चाचा लोग घर में से बात करते हैं कि बेटा पानी दो तो तुमको शाम को टॉफी देंगे, ऐसी कई सारी बातें होती हैं। अब देखिए अगर मान लीजिए आपने उस बच्चे से पानी मांग लिया, उसके बाद अगर आपने उसको उसको क्या जो टॉफी की बात की थी अगर नहीं दी, यानी जो स्वाभाविक उद्दीपक था टॉफी, अगर आप उसमें देरी कर रहे हैं, यानी आपने उससे क्या किया, काम करवा लिया और उसको आप स्वाभाविक उद्दीपक नहीं दे रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है, एसोसिएशन नहीं हो पाता, यानी बच्चा उस काम को करने का मन नहीं करता है। देखिए ये एक डेली एग्जाम्पल की बात थी, आप इसको समझ सकते हैं। बस मेन पॉइंट यही है कि अगर स्वाभाविक उद्दीपक और अनुबंधित उद्दीपक में अगर आप देर करते हैं, यानी अगर आप पहले सीएस रख दिया, उसके बाद काफी देर बाद आपने यूसीएस रखा, यानी घंटी बजा दी और बहुत देर बाद भोजन दिया, तो फिर क्या होगा, जो डॉग होगा वो रिस्पॉन्स को जल्दी से नहीं देगा, यानी नहीं सीख पाएगा। तो यानी जो यहाँ पे लर्निंग की बात है, यानी जो सहचर है वह जल्दी होता है अगर इन दोनों के बीच टाइम बहुत कम होता है, और अगर आप इन दोनों के बीच टाइम ज्यादा कर देते हैं तो यहाँ पे जल्दी से सहचर या लर्निंग नहीं हो पाती है। अब देखिए जो स्वाभाविक उद्दीपक तथा अनुबंधित उद्दीपक है, इसके चार तरह के कालक्रम हो जाएंगे। अब देखिए पहला क्या लिखा है, समक्षणिक कालक्रम। देखिए समक्षणिक का मतलब है इसमें आपका सी एस यानी तटस्थ उद्दीपक और यू सी एस दोनों को साथ में प्रेजेंट करते हैं, दोनों साथ में हटा लेते हैं, जैसा नाम वैसा काम। दूसरी बात विलंबित कालिक, तो आप जानते हैं विलंबन, विलंबित का मतलब देर होता है, यानी आपने सी एस प्रेजेंट कर दिया, उसके बाद स्वाभाविक उद्दीपक भोजन बहुत देर तक नहीं दिया, तो क्या होता है, यहाँ पर विलंबित कालिक क्रम होता है, अर्थात यहाँ पे लर्निंग देर में होगी। ओके फ्रेंड्स, जो मैंने सारा डिफाइन किया उन्हीं से एक पॉइंट है, लेकिन एक पर्टिकुलर तरीके से बताया गया है कि ये विलंबित कालिक क्रम होता है। अब देखिए तीसरा है संकेत कालिक क्रम, तो इसमें क्या होता है, इसमें ये बताने का प्रयास किया गया है कि मान लीजिए आपने सी एस रखा, घंटी बजा दी, तो उसके बाद खाना दिया है ना, तो थोड़े दिन बाद क्या होता है, जो प्राणी होता है उसके मन में एक ऐसा संकेत उत्पन्न हो जाता है घंटी बजते ही कि उसको खाना मिलेगा है ना, उसको भोजन मिलेगा, तो ये संकेतिक कालक्रम इसको बोला गया है। तो अगर देखा जाए तो ये जो पहला एक दो तीन, ये तीनों कैसे थे, इन तीनों में पहले सी एस यानी तटस्थ उद्दीपक को प्रस्तुत करते हैं, तो इसको हम लोग अग्रगामी अनुबंधन भी बोलते हैं। मैं यहाँ तीनों के लिए लिख देता हूँ, एक दो तीन, इन तीनों को क्या बोलेंगे, अग्रगामी, अग्रगामी अनुबंधन भी कहेंगे। ओके ये बात ध्यान रखिए। अब जब मैं चौथे पॉइंट की बात करूंगा पश्चगामी कालिक क्रम, तो आप नाम से ही समझ जाएंगे, यानी बाद में, यानी ऐसी कंडीशन जहां पर बाद में कंडीशनल स्टिमुलस को दिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि इसमें पहले यू सी एस को प्रेजेंट किया जाता है, यानी भोजन पहले दिया जाता है और बाद में उसे कोई सी एस दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसको पश्चगामी कालिक्रम कहते हैं। आप सिंपली थोड़ा सोचिए, और भी आपके जो दैनिक जीवन की जो व्यवहार होते हैं, लोगों के जो बिहेवियर हैं, जो क्रियाएं होती, समझो आप 100% इसको समझ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इसमें बोला गया है पांचवा पॉइंट क्या है, उद्दीपक सामान्यीकरण। सीधी सी बात है, आपने सामान्यीकरण का नाम कई बार सुना होगा, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं जेनरलाइजेशन है ना, यानी चीजें एक जैसी
समझ में आना। देखिए जैसे मान लीजिए जब आप शुरुआत में जो सी एस और जो यू सी एस इन दोनों का सहचर करवा रहे थे, यानी घंटी और जो भोजन है इन दोनों में सहचर करवा रहे थे रिस्पॉन्स कराने के लिए, तो अगर हमारा जो प्राणी है वो किसी दूसरे उद्दीपक के वजह से भी क्रिया कर देता है तो क्या होता है वहां पे उद्दीपक सामान्यीकरण कहते हैं, यानी वो क्लियरली ये नहीं समझ पाता है कि ये वही आवाज थी या फिर वही उद्दीपक था जो कि वास्तव में रखा गया था। ऐसी अवस्था यानी उद्दीपक का सामान्यीकरण होना यह सहचर्य की शुरुआत में ही होता है क्योंकि प्राणी सीख नहीं पाता है, लेकिन जिस तरह से आप बार बार रिपीटिशन करवाते जाएंगे तो यह धीमे धीमे खत्म हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए विभेदन, तो आप जानते होंगे विभेदन का मतलब होता है भेदभाव करना, डिस्क्रिमिनेशन भी बोलते हैं इसको। तो ये जो विभेदन होता है जस्ट अपोजिट होता है पांचवा पॉइंट यानी उद्दीपक सामान्यीकरण के। इसमें क्या होता है यानी इसमें उद्दीपक भली भांति यह सीख जाता है कि उसको किसके प्रति रिस्पॉन्स करना है ना, यानी डिस्क्रिमिनेट यानी भेदभाव करना सीख जाता है। यानी यहाँ पे जो घंटी रखी है अगर पार्टिकुलर यही घंटी बजेगी तभी वह रिस्पॉन्स करेगा अदरवाइज नहीं करेगा। लेकिन पहली वाली कंडीशन में क्या होता था वो इन जैसी समान सुनने या दिखने वाली चीजों के प्रति भी क्रिया कर देता था। तो आपको पांचवा छठवां पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बात करते हैं उच्चतर कोटि अनुबंधन। तो देखिए इसको हायर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये उच्चतर कोटि अनुबंधन है इसका मतलब ये होता है कि अगर आप शुरुआत में सी एस और यू सी एस को लेते हैं, यानी आपने यहाँ पे घंटी ली, यहाँ पर भोजन लिया, ओके, आपने डॉग को अच्छे से इस बात को सिखा दिया कि वो इसके प्रति भी क्या करेगा यानी घंटी के प्रति भी अनुक्रिया करेगा। लेकिन अगर आप अब क्या करते हैं अब यहाँ पे आप यूसीएस को हटा देते हैं और इसकी साथ में किसी दूसरे उद्दीपक को आप सहचर कराने लगते हैं, जैसे मान लो प्रकाश रखा आपने, क्या रखा प्रकाश, अगर इसके प्रति सहचरित करा देंगे तो कुछ दिन बाद वह यानी प्राणी या फिर डॉग कहिए क्या करेगा प्रकाश के प्रति भी रिस्पॉन्स करेगा। ओके, तो ये क्या होता है उच्चतर कोटि अनुबंधन यानी चेंज हो जाना और आगे बढ़ जाना। अब देखिए विलोपन, तो विलोपन का मतलब आप जानते होंगे एक्सटिंक्शन होता है यानी खत्म हो जाना। इसका मतलब ये है कि अगर आप जो सहचर आपने बनवाया था यू सी एस के साथ में किसी दूसरे सी एस का, अगर आप इन दोनों में सी एस यू सी एस को खत्म कर देंगे तो एक्सटिंक्शन होने लगता है, यानी जो लर्निंग हुई थी डॉग में रिस्पॉन्स करने की, रिस्पॉन्स करना क्या होता है सेलिवा का आना, लार का आना, वो क्या खत्म होने लगता है, उसको विलोपन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पे आपको 8 पॉइंट डिस्क्राइब किए हैं, अगर आप इनको दोबारा समझेंगे अपनी बुक में और अच्छे से देखेंगे 100% आप क्लियरली समझ सकते हैं। और मैं फिर से बोलूंगा दैनिक जीवन की जो बातें होती हैं उनको यूज करिए, आप चीजों को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। चलो मैं थोड़ी सी और बातें आपसे शेयर कर लेता हूँ। जैसे अब ये सोचो कि आपसे कहा जाए ऐसे कौन कौन से कारक होते हैं, फैक्टर होते हैं जो कि पेवलोवियन अनुबंधन या क्लासिकी अनुबंधन को प्रभावित करते हैं, क्या करते हैं प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अब देखिए तो सीधी सी बात है, आप थोड़ा सा एक कॉमन सेंस लगाइए, जिस चीज को आप जिस तरीके से सीखते हैं अगर उस तरीके में कमी कर दी जाए तो सीधी सी बात है आप उस चीज को उतने अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। तो बस ये ऐसा ही है, इसमें ऐसे कारक हैं जो कि इसको प्रभावित करेंगे। पहला जैसे लिखा है स्वाभाविक एवं अनुबंधित उद्दीपक की शक्ति, यानी अगर आपका ये स्वाभाविक और अनुबंधित उद्दीपक दोनों पावरफुल हैं यानी जल्दी से क्रिया कराने के लायक हैं तो सीधी सी बात है यहाँ पे जल्दी से होगा, और अगर ये नहीं है यानी शक्ति कमजोर है तो लर्निंग जल्दी से नहीं हो पाएगी, और शक्ति ज्यादा है हाइयर है तो लर्निंग भी जल्दी से हो जाएगी, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए सेकंड पॉइंट है उद्दीपक का समय, वही है कि अगर आप सी एस और यू सी एस में जल्दी से टाइम को रखेंगे यानी कम टाइम को रखेंगे, इसमें टाइम डिफरेंस नहीं रखेंगे तो जल्दी से लर्निंग होगी, है ना। सीधी सी बात है अगर आपके यहाँ कोई मजदूर काम करने आते हैं और उन्हें अगर आप जल्दी से उनका पे कर देते हैं तो वो भी जल्दी से काम करेंगे, है ना, एक अच्छा उनको फील होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी स्वाभाविक उद्दीपक का
का जो समय है, अगर आप उसको टाइम से देते रहेंगे यानी यूसीएस के साथ में प्रोवाइड कराते रहेंगे तो लर्निंग फास्ट होगी, अदरवाइज स्लो होगी। लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, स्वाभाविक उद्दीपक तथा अनुबंधित उद्दीपक के युग्मन की बारंबारता, यानी आप सी एस और यू सी एस को कितनी बार रिपीट करते हैं दूसरे के साथ में। जितने ज़्यादा बार आप रिपीट करेंगे उतने जल्दी ही लर्निंग अच्छी होगी, और नहीं करेंगे तो लर्निंग अच्छी नहीं होगी। ओके फ्रेंड्स, तो यही कारक हैं, आप थोड़ा बैठ के और सोचने का प्रयास करिए और एक बार वीडियो को दोबारा से देखिए। इस तरह से फ्रेंड्स मैंने डिफाइन किया है, और आपके जो भी साइकोलॉजी के फ्रेंड्स हों आप उनको शेयर करिए ताकि उनको भी पॉइंट्स मिल जाएं। अगर एग्जाम की परपज से बात करें तो हमको ऐसी कंडीशन बना के दी जाती है, हमको समझना होता है कि वहाँ पे विलोपन है कि विभेदन है कि उद्दीपक का सामान्यीकरण है, इस तरह से जो पॉइंट डिफाइन किए हैं उनमें से कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलते हैं तो 100% आप चीज़ों को सीख पाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।